हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि भाई 5 तारीख तक के जो है फेस एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुके हैं, कि 5 तारीख तक जो है काफ़ी सारे छात्रों की परीक्षाएँ होंगी, उसके एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। अब जो अपडेट मिली है, अब जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं वो 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं छात्रों के। ठीक है, इसको आप अपना नया फेज मान सकते हो। और काफ़ी सारे छात्रों का, और पॉसिबल हो पाया तो जो है इसकी जो लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर क्योंकि एक्सएमएल में होती है ना तो मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको करने में। ठीक है, आप फिर ओपन करोगे ओपन नहीं होने की, तो फिर इसमें से दिक्कत हो जाती है। तो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखना जानते हो, आप अगर एडमिट कार्ड देखना जानते हो मोबाइल से, तो क्योंकि ट्रेनिंग प्रोफाइल पे जाना है आपको, एनसीबीटी की मेन वेबसाइट पे चले जाना है, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोफाइल पे जा करके अपना एडमिट कार्ड एक बार जरूर चेक करना, नहीं तो अपनी आईटीआई से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आईटीआई से अपना जो है एडमिट कार्ड प्राप्त कर लीजिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि लड़के बोलेंगे लास्ट फेज तो नहीं है, नहीं भाई लास्ट फेज नहीं है, इसके बाद काफ़ी सारे हो सकता है अभी छात्र रह जाएंगे, और हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड कुछ के जारी ना हुए हो, है ना। तो टेंशन मत लेना, सबके एडमिट कार्ड धीरे धीरे जारी यहाँ पर किए जाएंगे, तो अपने आईटीआई से एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर और लेना अगर भाई। मैं बात करूँ स्टेट की कि कितने स्टेट भाई इसमें अभी की बार पार्टिसिपेट हैं, तो लगभग लगभग सभी स्टेट के जो है एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। और अगर मैं छात्रों की बात करूँ कि कितने छात्रों ने जो है अब की बार एग्ज़ाम होने वाला है, तो मान के चलो भाई लगभग लगभग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख छात्र जो है अब की बार इस 6 से लेकर के 10 तारीख में जो है भाग लेने वाले हैं। 1 लाख छात्रों का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, और ये किन किन स्टेट के लिए है, सभी स्टेट के लिए है। ठीक है भाई, अपने सभी स्टेट के लिए है, अपने जो है अपनी आईटी में एक बार जरूर संपर्क करना। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि आप लोग फिर बोलो कि कौन से स्टेट का है, फिर आप कमेंट करोगे महाराष्ट्र का है बिहार का है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी स्टेट में है, क्योंकि 1 लाख छात्र अब की बार इस 6 से लेकर के 10 तारीख के बीच में परीक्षाएं देने वाले हैं। तो काफ़ी लंबी चौड़ी परीक्षाएँ होने वाली है ना, धीरे धीरे करके सभी परीक्षाएँ समाप्त भी हो जाएंगी। और एक मैंने अप्रोक्सीमेट के जरिए मैंने आप लोगों को बताया कि कब तक जो है परीक्षाएँ चलने वाली है, क्योंकि अगर स्पीड ऐसी रही तो फिर जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि अक्टूबर महीने में फिर आपका सिस्टम ये समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर यही स्पीड रही तो अक्टूबर महीने में फिर आपका जो है ये कंप्लीट हो सकता है, अगर स्पीड ऐसे ही रही तो कुछ प्रॉब्लम ना आई। ठीक है भाई, तो अपनी आईटीआई में जरूर संपर्क करना, लगभग लगभग 1 लाख के छात्र समथिंग है जो अब की बार इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करना लास्ट में, ठीक है। और धीरे धीरे सबकी परीक्षाएं हो जाएंगी, जैसे 6 से 10 हुआ है, अब लिस्ट पॉसिबल वो ही तो बता रहा हूँ कि अगर लिस्ट पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको जरूर दूंगा, और नहीं तो आप लोग जो है अपनी आईटीएस जरूर एक बार कांटेक्ट कर लेना। इसके अलावा ऑनलाइन तैयारी के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने क्लास मैंने कंटिन्यू चलाए रखी है, वैसे तो कंटिन्यू क्या, मैंने कोर्स तो कंप्लीट करवा दिया, फर्स्ट ईयर वालों का इलेक्ट्रिशियन का PDF और जो सेकेंड ईयर वाले हैं इलेक्ट्रिशियन उनका मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसके पश्चात भी मैं जो है ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पर डाल रहा हूँ वेबसाइट पर, वहाँ से आप लोग लगा सकते हो। ठीक है,